कि भारत ने किस तरह कोरोना से निपटने के लिए हिफाजती इकदाम किए हैं, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया में कोरोना से मुतासिर होने वाला जो सबसे बड़ा मुल्क है वो भारत है। जी हाँ, बिल्कुल भारत है, और भारत के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप देखें तो करीब 23,452 यहाँ पर इस समय मरीज हैं और 723 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत ने जो एक बहुत बड़ा काम किया वो किया, इंटरनेशनल ट्रैवल को उन्होंने रोक दिया और काफी जल्दी एक तरीके से रोका, फरवरी 21 को इस पर रोक लगी। और दूसरी जो भारत ने बड़ी बात की वो लॉकडाउन किया, यानी 15 मार्च से लॉकडाउन है, हम लोग अभी भी पूरा देश लॉकडाउन में है, 3 मई तक चलेगा। रूस ये बात समझने वाली है कि जब ये बीमारी फैलती है तो करीब 3-4 दिन में नंबर डबल होते रहते हैं, और भारत में अगर आप देखें तो 21 फरवरी के आसपास वो मंजर था कि हर तीसरे चौथे दिन नंबर आंकड़े डबल हो रहे थे। पर अब लॉकडाउन की वजह से हमारा जो हेल्थ मिनिस्ट्री उसका ये कहना है, और आज ही उन्होंने कहा शाम को कि अब करीब 10 दिन बाद ये डबल हो रहा है, यानी जो रफ्तार है उस पर एक तरीके से ब्रेक लगी है, और यही इसमें हो सकता है। इस चीज से बचने का यही तरीका है कि आप उसकी रफ्तार को धीमी कीजिए जो कर लिया है। अब बड़ा सवाल हिंदुस्तान के लिए यह है कि क्या 3 मई के बाद आप दोबारा से लॉकडाउन करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे, उसको लेकर बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, भारत के नहीं दुनिया भर के बहुत सारे देशों के लिए ये चैलेंज है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मजदूर हैं जो घर नहीं लौट पा रहे हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं जो दिन भर कमाते हैं और खाते हैं, उनकी उनकी समस्या है। और अगर आप यूएन को देखें तो उन्होंने पहले ही कहा कि भुखमरी एक बड़ी चीज हो सकती है। भारत में इस तरह की शिकायतें हैं, भारत को इस बात का खासतौर पर ध्यान रखना है। तो इस समय हम लोग ऐसे मंजर पर हैं जहां हमने रोक तो लिया है पर 3 तारीख सामने खड़ी हुई है, उसके बाद खोल देते हैं अगर हम तो, WHO कह चुका है, EU ने भी अपने देशों से कह दिया है कि जब भी आप लॉकडाउन खोलेंगे आपके आंकड़े में बहुत ज्यादा उछाल आएगा। आप तभी खोलें जब आपके इंफेक्शन रेट बहुत कम हो, अस्पतालों में जगह हो, डॉक्टर फ्री हो। तो एक ऐसा फैसला है जो बहुत मुश्किल फैसला है जो अब हिंदुस्तान को आगे लेना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा दीबांग जी, हिंदुस्तान में चूंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत का शिकार है, तो आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तानी हुकूमत क्या इकदाम करेगी कि वो लोग जो इस वक्त मजीद गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, ये कारोबार बंद हो गए हैं, किस तरह से फिर उनको वो फैसिलिटेट करेंगे कि कम अज़ कम वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें? देखिए इसमें आप आंकड़ा समझिए कि करीब भारत में करीब 16 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, करीब 36-40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के बहुत करीब हैं। तो जो खतरा है इस बात का है कि ये जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, पॉवर्टी लाइन के आसपास हैं, उनको अपनी रोजी रोटी जुटाने में बहुत ज्यादा मुश्किल आने वाले दिनों में आने वाली है, और किस तरीके से आप उनकी मदद करते हैं, कितना सोशल सेफ्टी नेट लगाते हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि भारत के जो गोदाम है, जो FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उसमें बहुत ज्यादा अनाज भरा हुआ है, 6 करोड़ टन अनाज है, तो वो उनमें बांट दिया जाए, बांटा कैसे जाए इतने लोगों में अनाज, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस समय मुश्किलें ज्यादा हैं और रास्ते निकलते हुए कम हैं, और जो सबसे बड़ी जो मुश्किल है जिसका आपने जिक्र भी किया, जिसके बारे में मैं बोलता भी बहुत हूँ, ट्वीट भी बहुत करता हूँ, कि भारत में जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है आने वाले दिनों में, क्योंकि उनको सेफ्टी नेट देना है, उनको रोजगार देना है, और हो ये रहा है कि ये सारे मजदूर इस समय बड़े बड़े शहरों में एक तरीके से कैद हैं, क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं, आने जाने के लिए सारी ट्रेनें बंद हैं, बसें बंद हैं, गाड़ियां बंद हैं, कुछ ये बात अब शुरू हुई है कि उनको वापस ले जाने की कुछ हालत बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आपको पता हो तो बहुत सारे लोग पैदल ही निकल पड़े थे, एक बहुत अफरा तफरी सी मच गई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये हैं, इनको खाना भी दे जा रहे हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो खाना दे रही हैं, जो रसद पहुंचा रही हैं, लेकिन फिर भी इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा है, और रह रहकर इनमें एक गुस्सा, इनका दुख सड़कों पर भी दिखाई देता। बिल्कुल ठीक है।